हेलो सो ग्रेजुएट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों इस TSR वर्क में एक वेल्डिंग वाले का काम होता है, तो आप लोगों को बहुत सारा डाउट रहता है कि इसमें कौन से मतलब ट्रेड वाले इसमें आ सकते हैं। जैसे ITI में वेल्डिंग वाले होते हैं, इलेक्ट्रिशियन वाले होते हैं, तो वेल्डर जो होता है वो वेल्डर वाले का इसमें क्या होता है, एक साल का कोर्स होता है, उसको और जगह नहीं डाला दिया जाता है, मतलब उसको लोको पायलट में डालने नहीं दिया जाता है फॉर्म। तो उसको एक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलता है जिसमें आप आ सकते हैं, वेल्डिंग वाले हमारे डिपार्टमेंट को होते हैं, आपको डिटेल में हम बताते हैं। और बहुत दोस्तों अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे हो, SSC हो, बैंकिंग हो, या स्टेट PCS हो, या स्टेट बोर्ड का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए ये GK की बुक काफ़ी बेस्ट है। ये क्रीम पब्लिकेशन की बुक है। इसके अंदर आपको देखिए हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और आज़ादी के बाद के जितने भी नियुक्ति हैं सारी दे रखी, और भी बहुत सारे टॉपिक आपको देखने के अंदर मिल जाएंगे। इसके अंदर के जितने भी सारे चैप्टर है, टॉपिक्स है, वो सब ये आपको टेबल एंड फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में मिल जाएंगे। देखिए इस बुक को मैं ऑलरेडी पढ़ रहा हूँ। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर है, काफ़ी बेहतरीन ढंग से इसमें दिया हुआ है, और इसके हर पेज में आपको कुछ स्टार बुलेट्स फॉर्म में आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिख जाएंगे जो पिछले 25 सालों तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसमें डाले गए हैं। मतलब एक पेज में समझिए इतने सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। पूरी बुक आपको डबल कलर में है, और जो जो मेन पॉइंट्स है उसको हाईलाइट किया गया है रेड कलर में, और इसमें टोटल आप देखेंगे तो 600 से भी ज़्यादा पेजेस देखने को मिल जाएंगे। और इसकी बुक प्राइस देखा जाए तो 269 रुपये है, लेकिन ये मार्केट में आपको 170 रुपये के अंदर तक आपको ये मिल जाएंगे। इसको ऑनलाइन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर चेक कर सकते हैं, या फिर आपको ऑफलाइन चाहिए तो किसी भी नज़दीकी बुक शॉप पे जाके इसको ले सकते हैं। दोस्तों देखिए ग्रुप डी में अगर आप ज्वाइन करते हैं और आपका उस वेल्डर का आपके पास सर्टिफिकेट है, ITI अगर किए हुए हैं वेल्डर से, तो उस ट्रेड से क्या होता है कि ऑफिस में एक फॉर्म वगैरह निकलता है, तो आपको वहाँ से जाने का मौका मिलेगा। क्योंकि ऑफिस में क्या होता है, स्पेशल वेल्डिंग कोटा वाले के लिए फॉर्म निकलता है, कुछ सीट्स होती है, उस पर कुछ एग्जाम वगैरह छोटा मोटा होता है, उस पर जाकर क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको वेल्डिंग में भेज दिया जाता है। तो वेल्डर वाले का क्या होता है, जैसे ब्रिज वगैरह पे कुछ काम होता है तो वहाँ पे कुछ कटिंग वटिंग करना हो तो उसमें काम किया जाता है, मान लीजिए और भी जगह पॉइंट्स वगैरह चेंज हो, बहुत सारे काम होते हैं, तो उसमें जो स्पेशल स्टाफ्स होते हैं वेल्डर के डिपार्टमेंट के, तो वो लोग क्या करते हैं, गैस कटिंग करते हैं। गैस LPG गैस होता है सिलेंडर का, और साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर को, दोनों को एक साथ कनेक्ट करके वो गैस निकालते हैं, उसको कटिंग करते हैं, वो होल वगैरह करना हो, कटिंग करना हो, तो उसमें इस लोग को रखा जाता है। बहुत सारे रेल चीज वगैरह होते हैं, तो उसमें जैसे मान लीजिए कोई भी बोल्ट वगैरह फंस गया है वो, तो उसको काट कर तुरंत हटाया जाता है ताकि जल्दी से वर्क हो सके, फिर नया बोल्ट वगैरह बहुत सारा रखा रहता है, तो वो सब अगर प्लेट व्लेट काटना हो तो वो सब में काम आता है, तो उसके लिए वेल्डर वाले को बहुत सारा यहाँ पर मौका मिलता है। लेकिन इस TSR वर्क में क्या होते हैं कि एक वर्क होता है तो चेकरल जो होता है कर्द में, तो उसमें भी जैसे स्लीपर अब आगे पीछे हो जाता है, तो उसको क्या है कि अब पूरा नया स्लीपर दूसरे जगह लग रहा है, और चेकरल में जो ब्रैकेट वगैरह लगा है वो दूसरे जगह पे, उसको क्या कर किया जाता है, एक नया जगह होल बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए गैस कटिंग वाले को बुलाया जाता है। तो वो गैस कटिंग से करते हैं, कटिंग कट करके वो उसको होल बनाते हैं, और फिर उसको ब्रैकेट को सेट करते हैं। तो इसमें हालांकि TSR वर्क में जो भी होते हैं ये स्पेशल जो टेंडर पे होते हैं ठेकेदार के थ्रू, ये लेबर लोग ही अपना ये लोग रखते हैं सारा व्यवस्था, तो वो लेबर लोग आए हुए, हमारा स्टाफ इसमें नहीं है। और ये गैस कटिंग वाले जो लेबर लोग ये क्या करते हैं चेकरल में, जैसे देखिए ये इसके चेकरल के पीछे एक वो प्लेट की तरह होता है लोहे का, वो उसको लगा के रखते हैं, क्योंकि उसको प्रेशर मार के उसको होल किया जाता है, कट किया जाता है। तो हो सकता है होल में अगर होल करते के टाइम अगर मान लो वो प्लेट नहीं डालेगा तो पीछे का जो रेल होगा, हमारा जो ट्रैक है, वो डैमेज हो सकता है, टूट सकता है, इसीलिए उसको सेफ्टी के लिए डाला जाता है। और हालांकि हम लोग प्लेट वगैरह इस साइड पर रखते हैं हमेशा, प्लेट 2 मीटर प्लेट रखना होता है, क्लैंप रखना होता है, 1-2 क्लैंप, ताकि उसको तुरंत अगर रेल मान लीजिए टूटे, कुछ भी हो, इमरजेंसी हो, तो उसमें तुरंत उसको लगा के प्रोटेक्शन किया जा सके। तो सारी सुविधा हम लोग करके इसको रखते हैं। हालांकि उतना डेंजर नहीं होता क्योंकि इसके नीचे गुटका लगा दिया जाता है, जब भी गाड़ी पार होती है तो स्पीड भी कम होता है, 20 का स्पीड लगवा रहता है, तो इसलिए उसमें मतलब दिक्कत नहीं होता है। तो यही लोग इसको होल वगैरह कर रहे हैं, कटिंग वगैरह कर रहे हैं। हमारा स्टाफ का एक काम और हो जाता है इसमें, जैसे मान लीजिए बड़ा बड़ा अगर पैनल, अगर मान लीजिए पुराना रेल अगर चेंज हुआ, बड़ा पैनल लगता है, तो उसको क्या कर किया जाता है, रेल को फिर लोडिंग अनलोडिंग किया जाता है, जो हम अभी ट्रैक मशीन वाला वीडियो बनाए होंगे उसमें, तो वो क्या करता है, बड़ा बड़ा जो रेल है उसको कट 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 किया जाता है, तो इसे कटिंग करना पड़ेगा। एकदम बड़ा मान लीजिए 100-200 मीटर का रेल है तो इसको लोड नहीं हो पाता है, गाड़ी का साइज थोड़ा छोटा होता है, तो उसको कट करके एक साइज में कट किया जाता है, और उसके बाद उसको आराम से उसको लोड किया जाता है। तो ये भी वेल्डिंग वाले ही करते हैं जो वेल्डर में होते हैं। तो उसमें से हेल्प के लिए हम लोग का डिपार्टमेंट में भी कुछ स्टाफ्स वगैरह होते हैं, तो उसमें जाते हैं, और वेल्डर जो होते हैं वो जो मेन कटिंग वटिंग करते हैं वो सब वेल्डर ट्रेड के ही होते हैं। तो आपको इसमें एक मौका मिल सकता है अगर आप वेल्डिंग किए हुए हैं। और फिर TSR वर्क के बारे में और भी डिटेल में जानना है तो इस वीडियो पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं, हमने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, तो आप इसमें देखेंगे तो आपको और भी ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। तो आप ग्रुप डी में जब वैकेंसी आएगी तो आप वहाँ से इसको आसानी से कर सकते हैं, इसलिए ग्रुप डी का तैयारी आप अच्छे से करें। अभी अक्टूबर में इसका नोटिफिकेशन वगैरह आएगा, आप लोग अभी से तैयार रहे। ITI लागू होगा नहीं होगा ये बात की बात है, लेकिन चांसेस है कि ITI लागू नहीं होगा, तो आप लोगों को थोड़ा मौका मिल सकता है। अप्रेंटिस अगर आपके पास है
तो आपको फ़ायदा मिलेगा, आपको कट ऑफ कम जाता है अप्रेंटिस वाले को, तो आपको वहाँ से बेनिफिट मिल सकता है। इसलिए अप्रेंटिस की है तो अच्छी बात है। और इस बार सीट भी काफ़ी कम आने वाली है, तो कंपटीशन थोड़ा टफ होगा, इसलिए आप लोग थोड़ा सा उससे फोकस करें। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।